हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस टू। ठीक है, इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, एक बार हम यहाँ पर देखें। राइट हैंड साइड में गिवन है 1 बाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस टू। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इसके इक्वल लेकर क्या है, ये हम कंफर्म होके कह सकते हैं कि ये तब आएगा जब इसके पहले वाले स्टेप में हमें ऐसा कुछ मिल जाए 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। आप ये सब तरीका ज़रूर सीख के रखें। ज़रूरी तो है नहीं कि एग्ज़ाम में हमेशा ये सेम ही क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम में तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सीखने से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप उस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक सीखें। इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में सिखाता हूँ हर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखिए, ये लाने के लिए हमारे पास ये आना चाहिए और यहाँ पर वन है। ये वन तब आएगा जब यहाँ पर हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर वन होता है। ठीक है, इससे आगे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करके इसके इक्वल लेकर क्या आना है, ये तब आएगा जब हमारे पास ये हो, मतलब हमारा क्वेश्चन अब हो गया लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल दिखाना है। ठीक है, अब आगे बढ़े कैसे, पहले स्टार्ट करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आइए देखें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि जितना डिटेल में हो सके कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ आपको सिखा सकूं। ठीक है, पहले एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमारे पास दो तीन ऑप्शन हो जाते हैं। पहला तो उसे टेन में या कॉट में ऐसे किसी में कन्वर्ट करना है क्या, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या हो जाता है टेन, कॉस बाई साइन क्या हो जाता है कॉट। एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना है क्या, या कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना है क्या। एक ऑप्शन और क्या होता है, इसका एलसीएम लेना है क्या। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं राइट हैंड साइड में गिवन है क्या, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए चाहिए। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, मतलब हमें कंफर्म इसका एलसीएम ही लेना है सबसे पहले। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो हमें मिल गया, पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इस साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन टू द पावर 4a, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस टू द पावर 4a। अब आगे देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। नीचे वाला तो एक्सप्रेशन मिल गया हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, अब ऊपर क्या चाहिए हमें 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैसे है, यहाँ पर तो माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है नहीं, मतलब हम क्या करते हैं न्यूमरेटर में एक बार ऐड कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को। आइए एक बार आप ध्यान से देखिए, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब हमारे पास आ गया ये, हमें चाहिए ये। ठीक है, बाकी सब तो सिमिलर है, बस यहाँ पर हमें वन चाहिए। यहाँ पर वन के बदले क्या आ गया, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब कि ये जो तीनों टर्म्स है, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये वन के इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, वन के इक्वल तब होगा जब यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब देखें इसे कैसे आगे प्रोसीड करना है। साइन टू द पावर 4a को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, वैसे कॉस टू द पावर 4a को भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो एज इट इज आ गया माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये भी एज इट इज आ गया डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फिर हम इन तीनों के बदले मतलब साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बदले लिख सकते हैं ना ए प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस अब क्या बचा टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल होगा? ये वन के इक्वल होगा। तो हम इसके बदले लिख सकते हैं वन स्क्वायर की जगह स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था उसके पहले वाले जिस स्टेप पर हम पहुंचे थे बैक कैलकुलेशन से वहां पर हम यहां पर पहुंच गए। तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके वन बाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए नीचे भी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? वन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस टू। यही है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन प्रोवाइड किया है यूट्यूब में ट्रिग्नोमेट्री का और बाकी भी चैप्टर्स का। तो स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक हैशटैग मिलेगा, हैशटैग ट्रिग्नोमेट्री बाय अवि सर। आप उस हैशटैग ट्रिग्नोमेट्री बाय अवि सर में क्लिक करें तो बाकी क्वेश्चंस जो जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने सॉल्व किया है यूट्यूब पर उनका सोल्यूशन आपको एक जगह ही मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।